जिंदाबाद, राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा ऐसा हो जाएगा। अवार्ड पाशा जिंदाबाद, अवार्ड पाशा जिंदाबाद, अवार्ड पाशा जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो। अध्यक्ष जी, आज कलेक्ट्रेट में धरना दिया है, क्या क्या मांग है आपकी, किस मांगों को लेकर? मेरा नाम है अवार्ड पाशा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन संगठन चलाता हूँ। इसमें जो हमारी मांगे हैं, काफ़ी दिव्यांग गरीब हैं, काशीराम कॉलोनी में काफ़ी आवास खाली पड़े हुए हैं, लेकिन अपात्रों को आवास आवंटित कर दिए गए हैं। जो दिव्यांग है, गरीब हैं बिल्कुल, उनको आवास आवंटित नहीं किए हैं, एक तो मामला ये है। फिर शहरी आवास योजना के अंतर्गत अपात्रों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं, जो पात्र लोग हैं उनको आवास नहीं दिए जा रहे। एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा यह है, इसमें भ्रष्टाचार चला डूडा विभाग में। हम अगर ये विभाग नहीं सुधरा तो हम इनके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने में मजबूर होंगे। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे दिव्यांग भाई हैं, विधवा हैं, गरीब लोग हैं, उनको आवास मिलना चाहिए। आयुष्मान कार्ड, हमारे दिव्यांग लोग काफ़ी छूटे हुए हैं, मतलब 80% दिव्यांगों के आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनका आयुष्मान कार्ड बनने चाहिए। अंत्योदय कार्ड नहीं है, उनके अंत्योदय कार्ड बनने चाहिए। देखिए, सबसे गरीब कड़ी दिव्यांग होता है, उसका ही आयुष्मान कार्ड नहीं होगा तो किसका होगा? आयुष्मान कार्ड ऐसे ऐसे बने हुए हैं, करोड़पति लोगों को बने हुए हैं, लेकिन दिव्यांग का आयुष्मान कार्ड नहीं है, अंत्योदय कार्ड नहीं है, आवास नहीं है, उनका रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए वो जिला उद्योग केंद्र, खादी ग्राम उद्योग जाते हैं, आवेदन उनका निरस्त कर देते हैं। अगर एक आध तक बैंक में चला गया तो शाखा प्रवर्तक उनको डांट फटकार के बाहर कर देते हैं कि साहब आप क्या करोगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो इनको रोजगार की है, रोजगार मिलना चाहिए।